हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑन क्लास 9 ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नदन माउंटेन। आपको बच्चों पहले ही पता है कि मैं हमेशा अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ मोटिवेशनल कोट के साथ, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आप मेरे लेक्चर को अंत तक देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। और आज का मोटिवेशनल कोट है, एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन दिस सोसाइटी। इसका अर्थ है बच्चों, यदि हृदय से शिक्षा दी जाए तो इससे समाज में क्रांति आ सकती है। और हर एक टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो शिक्षा बच्चों को एकदम दिल से दे, तभी जाकर के समाज में क्रांति आ सकता है। बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज हिमालय माउंटेन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है इंडिया, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। हमारे देश में वर्ल्ड के लगभग सभी फिजिकल फीचर्स मौजूद है। आप देखिएगा कि हमारे देश में जो नदन पार्ट है वह सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, और ये सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज को हिमालयन माउंटेन रेंज कहा जाता है। बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय का मतलब क्या होता है। तो आप देखिएगा कि हिमालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम का मतलब होता है स्नो और आलय का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लिविंग। बच्चों, जो इंडिया का प्रॉपर हिमालय है उसमें तीन पैरेलल माउंटेन रेंज है, एक है हिमाद्री, फिर है हिमाचल और फिर है शिवालिक। और प्रॉपर हिमालय से ऊपर 3 पैरेलल रेंज और है, वो है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये तीनों पैरेलल रेंज को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का ही फर्दर एक्सटेंशन जो हुआ है तिब्बत चाइना में, उसे कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर हिमालय है उसमें 3 पैरेलल माउंटेन रेंज है, और वो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री जो है वो नदन मोस्ट पैरेलल माउंटेन रेंज है हिमालय माउंटेन का, और हिमाद्री का जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर अबव द सी लेवल। हिमाद्री कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, और हिमाद्री के साउथ में आप देखिएगा जो पैरेलल माउंटेन रेंज है उसका नाम है हिमाचल, और हिमाचल का जो एवरेज हाइट है वो है 3700 टू 4500 मीटर अबव द सी लेवल। और जो आउटर मोस्ट पैरेलल माउंटेन रेंज है हिमालय माउंटेन का, उसका नाम है शिवालिक, और शिवालिक का जो एवरेज हाइट है वो है 900 मीटर टू 1100 मीटर अबव द सी लेवल। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल है वह डिसइंटीग्रेटेड है, वह 3 भाग में लगभग टूटा हुआ है, वो है पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत मिलकर के हिमाचल माउंटेन रेंज को बनाने का काम करते हैं। पीर पंजाल, उसके बाद आपका जो धौलाधर है और महाभारत है, इन तीनों में जो सबसे लंबा है वो है आपका पीर पंजाल। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका हिमाचल है और शिवालिक है उसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली पाए जाते हैं, और इस लॉन्गिट्यूडनल वैली को डूम्स कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे देहरादून का, ये देहरादून जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वैली में है, जो कि पाया जाता है हिमाचल और शिवालिक के बीच में। बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, नैनीताल, ये सभी हिमाचल में पाए जाते हैं। साथ में आपका वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है उनमें से जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स है वो भी आपका जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज में पाया जाता है। जैसे आप देखिए बच्चों, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये सभी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से जो भी माउंटेन पीक है वो सभी हिमालयन माउंटेन रेंज में पाया जाता है। K2 का यदि बात किया जाए तो K2 काराकोरम में पाया जाता है, और K2 का जो दूसरा नाम है वो है गुडविन अस्टिक।
आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है तो आप बोलोगे क्या K2 या फिर गुडविन अस्टी। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जो K2 है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और यदि आपसे कोई पूछे कि इंडिया में जो इंडिया के अंदर भाग है उसमें जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसके ऊपर इंडिया का पूरा कंट्रोल है वो है आपका क्या कंचनजंगा। तो आपको याद रखना है यदि आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है तो आपको बोलना है माउंट एवरेस्ट। यदि आपसे कोई बोले हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया तो आप बोलेंगे क्या K2 या फिर गुडविन अस्टीन। और यदि आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया वेयर इंडिया हैज इट्स फुल कंट्रोल तो आप क्या बोलेंगे कंचनजंगा। बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे माउंटेन रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये सभी ग्लेशियर से हमारे देश में हिमालयन रिवर्स की शुरुआत होती है जो हमारे देश के सफिशियंट वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करती है। बच्चों आप देखिएगा कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसका टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर है, और जो आपका हिमालय माउंटेन रेंज है उसका जो विड्थ है वह 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर है। आपको बच्चों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा चौड़ा है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो कम चौड़ा है। आप देखिएगा कि रफली कहा जाता है कि हिमालय माउंटेन रेंज फैला हुआ है इंडस रिवर जो कि नॉर्थ वेस्ट में है वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। आप देखिएगा कि जो आपका हिमालय माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाकर के शार्प यू टर्न लेता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय माउंटेन का ये जो पूरा भाग आप लोग देख रहे हैं इसे पूर्वांचल कहा जाता है। तो बच्चों पूर्वांचल क्या है आपको बोलना है कि नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द पूर्वांचल। और पूर्वांचल में आप देखिएगा जो इम्पोर्टेंट हिल्स है उनके नाम है पत्काई भूम, नागा हिल और मिजोरम। बच्चों आप देखिएगा कि जो आपका हिमालय माउंटेन रेंज है इसका रीजनल डिवीजन भी किया गया है, और हिमालय माउंटेन रेंज का जो रीजनल डिवीजन है वो रिवर्स के अनुसार किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंज का वो भाग जो कि इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, और हिमालय माउंटेन रेंज का वो भाग जो कि सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। आगे जो हिमालय माउंटेन रेंज का भाग है काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और आप देखिएगा कि तिस्ता रिवर और धियांग रिवर के बीच में जो हिमालय माउंटेन रेंज का भाग है उसे आसाम हिमालय कहा जाता है। बच्चों धियांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि अभी भी जो आपका इंडियन प्लेट है वो लगातार जाकर के टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, और इसके कारण फोल्डिंग जो है वो लगातार हो रहे हैं और इससे हिमालय माउंटेन रेंज का जो हाइट है वो बढ़ते चला जा रहा है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हिमालय माउंटेन रेंज को यंग फुल माउंटेन रेंज कहा जाता है। इसे यंग फुल माउंटेन रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के माउंटेन रेंज की तुलना में हिमालय माउंटेन रेंज का जो फॉर्मेशन है वो नया है, और साथ में क्योंकि हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन फोल्डिंग प्रोसेस से हुआ है इसीलिए इसे हम लोग यंग फुल माउंटेन भी कहते हैं। अभी हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा कि हिमालय माउंटेन रेंज इंडिया में नेचुरल बैरियर को प्रोवाइड करता है जिसके कारण इंडिया का प्रोटेक्शन हो पाता है फॉरेन इवेशन से। साथ में आप देखिएगा कि हिमालय माउंटेन रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स से बहुत सारी नदियां जैसे आपकी हिमालय रिवर जो है वो निकलती है जिनसे हमारे देश का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है।
साथ में हिमालय माउंटेन रेंज बहुत बड़ा स्टोर हाउस है मिनरल्स का, और आप देखिएगा कि जितने भी मॉनसून विंड्स हैं उन सभी मॉनसून विंड्स को इंडिया में ट्रैप करने का काम करता है हिमालयन माउंटेन रेंज, और इसी वजह से जो मॉनसून विंड है वो इंडिया में सफिशियंट अमाउंट में रेनफॉल को करता है। आप देखिएगा बच्चों कि आपका जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य आपको हिमालय माउंटेन रेंज में देखने को मिलेंगे। जो हिमाद्री है वो लगभग सालों भर बर्फ से ढका होता है, और आप देखिएगा बच्चों कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है इसका हमारे संस्कृति में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो हमारा हिमालय माउंटेन रेंज है वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में जो भी बात मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं आज के ड्यूइनो सेक्शन के बारे में। तो आज के ड्यूइनो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वो कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का जो हाइट है वो सी लेवल से लगभग 6000 मीटर अबव है, और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है वो लगातार संघर्ष होते रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बच्चों यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और लगातार मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए आपको जैसा भी लगे मेरा लेक्चर उस पर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।